उधर कानपुर से खबर है जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर आरोप लगा है। एक महिला ने इरफान सोलंकी के भाई पर घर फूंकने का, आग लगाने का आरोप लगाया है। रिजवान सोलंकी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संदिग्ध परिस्थिति में जाजमऊ में घर में आग लगी। तो ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है रोते हुए, इनका कहना है कि इनके घर में ये जो आग की तस्वीरें आपके सामने हैं, ये इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने लगाई है। ये महिला रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाती है। जाजमऊ में घर है जहां आग की तस्वीरें आपके सामने हैं और आरोप है इरफान सोलंकी, सपा नेता और विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर। आज घटना हो गई, हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, भाइयों को बंद करते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये रिजवान सोलंकी इरफान सोलंकी के विधायक के भाई है, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद। ये लोग, क्या नाम है? मेरा नाम बेबी नाज है। ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए हैं आज से नहीं भाई, 86 हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार पीछे पड़े इन लोग। मुरादाबाद से खबर है, आजम अब्दुल्ला से जुड़े केस की सुनवाई के मामले में, 2008 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। आजम अब्दुल्ला पर सड़क जाम करने, हंगामा करने का आरोप है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप और सपा नेताओं पर भी आरोप है। इस पूरे मामले पर आज मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होना है। 2008 का ये मामला जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम के साथ कई और सपा नेता शामिल हैं, आरोप ये है कि इन्होंने सड़क को जाम किया, सरकारी काम में बाधा डाला, नेशनल हाईवे पर आवाजाही में रोक लगाई और इसी मामले को लेकर के आज मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2008 का मामला और आज सुनवाई का दिन जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम के साथ कई सपा नेताओं का भी नाम शामिल है। इस पूरे मामले पर आज कोर्ट से क्या अपडेट आएगी, इस पर निगाहें रहेंगी। एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा तमाम जानकारी, लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि आज इस पूरे मामले को लेकर डेट है एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद में। न सिर्फ आजम और अब्दुल्ला आजम बल्कि कई और सपा नेता हैं। मामला है 2008 का जब सरकारी काम में बाधा डालने, हाईवे जाम करने, हाईवे पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत पैदा करने के इस पूरे मामले को लेकर के जब अदालत में पहुंचा गया तो आज सुनवाई का दिन है। 2008 का ये मामला जिसमें सुनवाई होगी, तो लगातार कानूनी शिकंजे और आज किस तरीके की अपडेट आएगी, किस तरीके की खबर आएगी अब्दुल्ला के लिए और आजम के लिए, यह देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।